यं ब्रह्मा वरुणिन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैस्सङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं यगिनो यश्यान्तङ्गनो विदुः सुरासुरगणः दिवाय तस्मै नमः। प्रारंभ में गुरु महाराज जी के चरण कमलों का वंदना करता हूँ और सभी भक्तजन श्रोतावृंद मातृशक्ति सभी का अभिवादन करता हूँ। आज वृंदावन में भक्ति योगाश्रम में आप लोगों के लिए कुछ विशेष बातें बोलने की इच्छा है, उसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। वो जरूरी बात है, उसको जितना हम समझेंगे सुनेंगे अनुभव करेंगे और उसको जीवन में उपयोग में लाएंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण जब उद्धव को उपदेश दिए तो उन्होंने कहा, देखो उद्धव, दो दिन से इसी श्लोक का पर व्याख्या चल रहा है कि देखो, नृदेहो माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य का जो शरीर है, अनेक जन्मों को पार करने के बाद ये जन्म मिला है। 80 लाख जनियों में भटकते भटकते फिर मनुष्य को ये मौका मिला कि हम मनुष्य बने और बनकर अपने जीवन को सफल बनाएं। इसलिए कहा जा रहा है कि देखो, जैसे बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानो बान मांग प्रपद्यते, अनेक जन्मों को पार करने के बाद जीव को जब सद्गुरु और साधु मिलते हैं और उनसे जब ये श्रद्धा के साथ ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो उनके जीवन में ज्ञान से मानसिक शांति मिलती है। ज्ञान ही शांति का आधार है, ज्ञान से ही ध्यान होता है, ज्ञान से मन को शांति मिलती है। जितना जीव सत्य को जान लेता है, सत्य क्या है, सत्य मैं हूँ, सत्य आत्मा है, आत्मा का जो प्रभु है वो परमात्मा है, वही सत्य है। तो मुझे पहले अपने को जानना बहुत जरूरी है, मैं कौन हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ, मनुष्य हूँ मैं तो मेरा जन्म क्यों हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये बातों को जब हम समझेंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा कि हमें क्यों जन्म मिला, ये जन्म हमको क्यों मिला। क्या आवाज़ हो रहा था अभी इनका? अच्छा, तो इसलिए पहली बात यह है कि नृदेह माध्यम सुलभम। जन्म पाकर जीव सोचता है कि ये तो मुझे सहज में मिल गया, लेकिन भगवान उद्धव को कहते हैं कि नहीं, सुदुर्लभम, बहुत सारे जन्मों का मातृगर्भ में बार बार जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, फिर माँ के गर्भ में प्रवेश हुआ। जावज्जनमं तावन मरणम तावज्जननी जठरे शयनम इति संसारे स्फुटतर दोष कथमिह मानव तव संतोष। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। तो तुम्हारा एक ही काम है, गोविंद का भजन करना। नहीं करोगे तो दुखी होगे, जन्म लिया फिर मरोगे, मरने के बाद फिर माँ के जननी जठरे शयनम, माँ के जठर में उदर में जाके तुमको शयन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का उद्धव को कहना है कि देखो उद्धव, ये संसार में जो हमने जन्म जीव ने जन्म लिया तो इसलिए बहु संभवान्ति, अनेक दुखों को, अनेक जन्मों को, अनेक प्रकार कष्टों को झेलने के बाद तभी मनुष्य जन्म पाया है। इसलिए क्या कर्तव्य है, ध्यान से बात को याद रखना है,
भगवान कहते हैं यही करना है, क्या है कि नृदेहो माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम। ये मनुष्य शरीर एक प्लव है, प्लव माने नौका, नाव है। तो ये जो नौका तुमको मिला, ये संसार समुद्र को पार करने के लिए इसमें हमने सभी कुछ दे दिया, सभी कुछ, जितना ज्ञान चाहिए, जितना सत्य चाहिए, जितना अनुभव चाहिए, किस तरह से भजन करें। केवल तुम्हें गुरु करण धारम, एक बात है, गुरु को अपने जीवन नैया का मल्हार बना लो, माझी बना लो, माझी गुरु बन जाएंगे तो तुम्हारे जीवन नाव को ठीक भगवान के तरफ ले जाएंगे। इसलिए ऐसे गुरु बनाओ जो ज्ञानी हो, जो अनुभवी हो, जो सत्य के ऊपर दृढ़ हो, जो साधना में निपुण हो, सबके कल्याण करने में समर्थ हो, सबका संदेह दूर करने में समर्थ रखता हो। शिष्य के अंदर में कोई भी संदेह आ सकता है, वो संदेहों को जो हृदय से निकाल दे वो गुरु है। गुरु कौन है? गु शब्द अंधकार स्यात्। गु का अर्थ होता है अंधेरा, और रू का रू शब्द तत् निरोधक, जो अंधेरा को दूर कर दे उसे गुरु कहते हैं। हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा है उसे जो दूर करके प्रकाश फैला दें, ज्ञान की दिया को जला दें, वो गुरु है। इसलिए गुरु वही है जो हमारे जीवन को सभी प्रकार से दंदों से, विवादों से, दंदैर विमुक्ता, कोई दंद ना हो दिल में, सुख दुख संगैर, सुख दुख जो भी है इससे जो विमुक्त हो जाता है, बैठ जाओ, सुख दुख संगैर गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। अमूढ़ा कौन? मूढ़ नहीं है, मूर्ख कौन नहीं है, जो सत्य को जान लिया है, जो सत्य को जान लिया, आत्मा को जान लिया, अपने हृदय को जान लिया। क्यों हम चिंता करते रहते हैं, क्यों हम परेशान होते रहते हैं, क्यों जगत में हमें ये इतने सारे दुख मिलता है? दुख तो कोई नहीं चाहता ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि संसार में कोई दुख नहीं चाहता, यथा दुखम अजत्नतः। ये भगवान प्रहलाद जी का शब्द है, अपने मित्रों को उपदेश दे रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि दुख कोई यत्न नहीं करता मुझे दुख मिले, लेकिन फिर भी यथा दुख अजत्नतः, बिना यत्न से, बिना कोशिश किए हमें दुख मिलता रहता है। दुख के लिए कोई कोशिश नहीं करता लेकिन दुख आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रारब्ध है, अनेक जन्मों का कर्मक फल है, जीव उससे अपने को मुक्त नहीं कर पाती, हृदय को निर्मल नहीं बना पाती, ध्यान नहीं कर पाती, सत्य के साथ चेतना को जुड़ नहीं पाती, इसलिए यथा दुखम अजत्नतः। तो दुख जीवन में आता है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं सुख भी आता है। जैसे तुम सुख के लिए कोशिश करते हो, तो सुख के लिए जो कोशिश करते हो तो सुख तो हमेशा मिलता नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो, और दुख को ना पाने का कितना भी प्रयत्न कर लो लेकिन दुख आएगा। तो इसलिए ये चक्रवत परिवर्तन थे, सुखानीच दुखानीच, सुख और दुख दोनों चक्रवत परिवर्तन थे। ये अभी सुख आया फिर दुख आया, सुख आया फिर दुख आया, ऐसे जीवन में बदलता रहता है। जो भगवान का ध्यान करेगा वो ही एकमात्र सुखी है संसार में। जो ध्यान नहीं जाना, जो आत्मा को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना, विज्ञान को नहीं जाना, वही एकमात्र संसार में दुखी है। इसलिए कहते हैं यथा दुखम, और ऋषि कहते हैं उपनिषद में ये दुखम माभूत सुखम में भूयात। उपनिषद में ऋषि का कहना है कि जीव निरंतर प्रार्थना करता है कि प्रभु हमें दुख ना हो, सुख प्राप्त हो, प्रार्थना करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दुखम माभूत माने दुख कभी ना हो, सुखम में भूयात, सुख निरंतर होता रहे। इसलिए भगवान कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतरितम। मेरे अनुकूल वायु में तुम अपने जीवन नैया को छोड़ दो, अनुकूल वायु में, अनुकूल हवा में इसे चलाना। मेरे अनुकूल वायु क्या है? बोले मेरा भक्तों का संग, साधुओं का संग, उनके वाणियों का पालन करना,
उनके विचारों से जीवन को सजाना, उनके विचार को जीवन में अमल में लाना। जैसे तुम करोगे तो तुम्हारा जीवन धीरे धीरे अपने आप सुंदर हो जाएगा, ये निश्चित बात है। इसलिए भगवान कोपिल भी माता देवहूति को यही कहते हैं कि देखो माता, संसार में शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद, संसार में जो मेरे साधु है, भक्त है, जो मेरा हृदय है, वो मेरे कथा को जब सुनाते हैं उस कथा में मेरी शक्ति होती है, उस कथा में मेरी शक्ति मिली हुई होती है, मेरे मम वीर्य, वीर्य माने शक्ति, ताकत, मेरे शक्ति उस कथा में है। इसलिए साधु के मुख से जब मेरी कथा निकलती है उसमें मेरी शक्ति मिली हुई होती है। क्यों? साधु निरंतर ध्यान करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं। इसलिए शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविद भवंती हृत कर्ण रसायना कथा, भवंती हृत कर्ण रसायना कथा। हृदय और कान ये दोनों के लिए पुष्टिदायक है, रसायन है, रसायन, रसायन समझते ना, जैसे टॉनिक होता है, जैसे च्यवनप्राश होता है, ये टॉनिक है। टॉनिक लेने से जैसे हमको ताकत मिलती है, उसी प्रकार श्रद्धा से जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो वो टॉनिक का काम करता है, हृदय को भी ताकत मिलता है, हृदय को, मन को शक्ति मिलता है, मन शक्तिशाली बन जाता है, बुद्धि भी निर्मल होती है। ध्यान पूर्वक बात को सुने तो भगवान कपिल देव कहते हैं देखो मैया, मेरे जो भक्त है ना उनके मुख से जब कथा निकलती है वो कथा में मेरी शक्ति मिली हुई होती है, और वो जीव जब श्रद्धापूर्वक कर्ण पुटेशु संभृतम, कर्ण रूपी प्याले से, कर्ण रूपी प्याले से जब वो कथा को पीते हैं, क्योंकि पीना तो वो कथा तो मुंह से नहीं पिया जाता, तो कर्ण रूपी प्याले से, कर्ण पुटेशु संभृतम, जब कर्ण रूपी प्याले से वो कथा को पीते हैं, सुनते हैं, हृदय में देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है उसका सारा जीवन सुंदर होने लगता है, कर्ण पुटेश संभृतम। इसलिए कानों से सुनो, समझो, हृदय को ध्यान में लगाओ और अध्यात्म विद्या को प्राप्त करो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, भगवान गीता के 15वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन जो अध्यात्म विद्या को प्राप्त किया उसके अंदर की जो कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वो धीरे धीरे उन कामना वासनाओं से मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त कामः, उनके कामना हृदय से चली जाती है, वो पवित्र हो जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए उन साधु महात्माओं के वचनों को हमें सुनना, समझना और हृदय में उसको ले करके मंथन करना चाहिए। जैसे गैया खाती है, खाने के बाद फिर उसी खाए हुए चीज को क्या करती है, खाए हुए चीज को बाद में जब अपने अड्डे में जा गैया पहुंचती है तो पेट से निकाल के मुंह में चबाती रहती है। तो इसलिए जो बात हम भगवान की कथा को सुनते हैं उसको बार बार मन से चबाते रहो, गाय के गैया गाय माता की तरह तुम भी उसको चबाते रहो अंदर, जो सुना वो क्या है, ये सुना ये सत्य है क्या, ये मेरे जीवन में वास्तव में मेरे सारे दुखों से मुक्ति दे देगा। जैसे प्राणायाम करोगे तो प्राणायाम का मतलब क्या हुआ, प्राणायाम करने से प्राण को आराम मिलता है, तुम भी करोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये सच बात है। भारत के ऋषियों ने कहा प्राणायामो परायणा, गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये कहा, कृष्ण के मुंह का शब्द है कि प्राणायामो परायणा, प्राणायाम करने से जीव के जो प्राण शक्ति है वो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी। जैसे किडनी में पत्थर होता है तो मुंडक आसन करने से और ऐसे करने से, अग्निसार क्रिया करने से वो पत्थर अपने आप निकल जाता है, और कभी गॉल ब्लाडर ये इसका भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे मलमूत्र दार का जो तकलीफ होता है ये भी नहीं होगा निश्चित रूप से। तो इसलिए प्राणायाम आसन का अभ्यास करो, ये क्या चाहिए है, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निश्चित रूप से जरूरत है। जो आदमी ये समझ गया कि मुझे प्राणायाम करना है
इससे क्या होगा? बोले प्राण को आराम मिलेगा, प्राण वायु जितने करते रहोगे धीरे धीरे क्या लगेगा कि अंदर से हमारा सांस का जो भारीपन था दिल के ऊपर वो भारीपन कम होता जा रहा है। करते रहो 500,000 बार करो, देखो कितना आराम मिलता है। बिल्कुल यहाँ पर कोई कफ नहीं जमेगा, कभी हार्ट का बीमारी नहीं आएगी। अनुलोम विलोम करो, फिर इससे बीमारी से तुम मुक्त हो जाओगे, सारे तकलीफों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए प्राणायाम, मौका मिलते ही प्राणायाम करना सबके लिए जरूरी है। समझ गए ना? समझ गए? प्राणायाम करोगे तो, प्राणायाम करोगे क्या नहीं? हाँ, तो करना शुरू कर दो अभी से, आज से। जब भोजन करने से पहले प्राणायाम करो, खाली पेट में प्राणायाम करना है, सुबह उठकर प्राणायाम करना है। प्राणायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये निश्चित बात है। ऋषियों की वाणी है, भगवान की वाणी है, प्राण को आराम मिलता है। प्राणायाम का मतलब है प्राण को जो आराम दें उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राण वायु को जो आराम देता है वही प्राणायाम है। ध्यान देकर सुनो, प्राण को जो आराम देता है उसे प्राणायाम कहते हैं। समझ गए ना? तो प्राणायामो परायणा, तो जब हम प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ साथ एक फल हमको और मिलेगा। वो क्या है? बोले हमारा प्राणायाम करने से हमको एक फल और मिलेगा। क्या होगा? प्रत्याहार, माने सारी जो मन जो दुनिया भर में घूमता रहता है, चिंताएं लगी रहती है, बुद्धियां इधर उधर दौड़ती रहती है, वो सब धीरे धीरे कंसंट्रेट हो जाता है। वो सब धीरे धीरे अंदर को कंसंट्रेट हो जाता है, तो उसे कहते हैं प्रत्याहार। क्या कहते हैं? योग शास्त्र में उसे कहते हैं प्रत्याहार। इसलिए प्राणायाम करना, और प्राणायाम जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। समझ गए ना? मन के ऊपर कंट्रोल आएगा। कंट्रोल आएगा माने प्रत्याहार होगा, जो मन इधर उधर दौड़ रहा है। मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना, कुछ सोचा फिर कुछ बदला, फिर कुछ और विचार आया, फिर वो बदल गया। तो मन ऐसे बदलता रहता है, चिंताएं बदलती रहती है, विचारें बदलती रहती है। तो प्राणायामो परायणा, समझ गए ना? तो प्राणायाम करोगे तो प्राण को ताकत मिलेगी, प्राण वायु, दिल को सुकून मिलेगा, दिल को प्रसन्नता मिलेगी, दिल में कभी कब नहीं जमेगा, हार्ट का बीमारी नहीं आएगी, शरीर का तकलीफ चला जाएगा। थोड़ा यम नियम आसन प्राणायाम, जैसे ये लोग कहीं दर्शन के लिए निकले हैं, वृंदावन आए हैं, तो बस में बैठे बैठे क्या करोगे? अरे खाली कीर्तन नहीं, प्राणायाम भी करो। बस में बैठे बैठे प्राणायाम करो, जब हम कर सकते हैं, हम ट्रेन में करते हैं, बस में करते हैं, गाड़ी में करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। निरंतर अभ्यास करने से क्या होता है, जीवन में सारे दुखों से मुक्ति मिलती है, और कभी पैसे के अभाव नहीं होते। जो मेडिटेशन करेगा, जो प्राणायाम से प्रत्याहार होगा, फिर धारणा, फिर ध्यान, ध्यान में जब शांत हो जाएगा सहस्रार में, ये सहस्रार चक्र कहते हैं, मूर्धना माने मस्तिष्क में जब कंसंट्रेट करोगे मन को, तो क्या होगा, तुम्हारी जो पैसा पाने की इच्छा है वो पैसा अपने आप प्रकृति भेजती रहेगी, पैसे के अभाव नहीं होंगे। कोई पैसे के अभाव नहीं होगी जो ध्यान करेगा। भारत के योगियों ने ही कहा, ऋषियों ने ही कहा, मनुष्य इसको समझा नहीं, इसलिए मनुष्य इतना दुखी है। इसलिए मनुष्य को ये बात समझना होगा कि प्राणायामो परायणा। इतने सारे लोग लाइन में आकर अभी प्रोग्राम देख रहा है, इसी यहाँ टेली हम देखते हैं मोबाइल में, सब लोग लाइन में आ गए हैं, बहुत से लोग जो रोज प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आज देख रहे हैं कि गुरुजी आज बांग्ला में नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं। तो बांग्ला भाषा में रोज बोलते हैं क्योंकि बंगाली लोग ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन आज देखते हैं कि हमारी ममता और ये आप लोग बैठे हैं तो हिंदी बोला जाए। जब जैसे परिवेश हो, एटमोसफेयर हो, ऐसे भाषा बोलना चाहिए, सबके समझ में आए, सबको आनंद आए, सबको जीवन में कुछ ना कुछ मिले, है ना? हम लोग बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? बोले कुछ पाने के लिए। जीवन में कुछ पाना है, आत्मविद्या को पाना है, इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा भगवान की। जैसे भगवान को मंदिर में देखने जाते हो तो आपने रात को सोते समय उन भगवान के मूर्तियों का ध्यान करोगे तो सपने में वही सब दिखेगा, सुंदर दिखेगा, स्वप्न सुंदर हो जाएगा। स्वप्न जब तक सुंदर नहीं होगा त
तब तक जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका मन बिगड़ा हुआ है। स्वप्न सुंदर हो जाता है तो मन कंट्रोल में आ जाता है। इसका मतलब कंट्रोल में आ गया, जब हम सोते ही अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हैं तो इसका मतलब मेरा मन जो है कंट्रोल में है और मन को शांति मिल रहा है, शांति मिल रही है, मन सख्त हो रहा है, मन को ताकत मिल रहा है। इसलिए जब स्वप्न में आपके जीवन के किए हुए मंत्र साधना और जो भी दर्शन कीर्तन भजन करते हैं वही सब स्वप्न में दिखे तो समझ लेना कि मेरा मन धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है और अच्छे के अच्छे मार्ग में हम चल रहे हैं और मृत्यु के बाद हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। मृत्यु के बाद जो सहस्रार में मन को माने प्राण को प्राणवायु को सहस्रार में ले जाओ, लेकर वहाँ स्थापित कर दो, कुछ देर कुंभक करके मंत्र का जप करते रहो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा मन और प्राण, प्राण तो गया उसके साथ मन भी चला गया, सहस्रार में कंसेंट्रेट हो गए। ओम जब कंसेंट्रेट करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा मन निर्मल होता जाएगा। निर्मल मन जन सोही मोही पावा, मोही छल छिद्र कपट ना भावा, समझ गए ना। तो ये छल छिद्र कपटता जो दूसरों का दोष देखता है, जो छल बुद्धि रखता है, झूठ बोलता है, ऐसे पापियों को भगवान नहीं मिलते, अनुभव भी नहीं होता, ना जीवन में कुछ आगे बढ़ सकता है। तो निर्मल मन जन, जो मन से निर्मल हो, बुद्धि से निर्मल हो, हृदय से निर्मल हो, तो उसको भगवान सहज ही मिल जाते हैं। सहज भगवान पाना, भगवान के पाने के लिए बाहर कुछ चिल्लाना नहीं है, भगवान आ जाओ हम आपको चाहते हैं, भगवान आने से क्या करोगे, भगवान अभी आके सामने खड़ा हो जाए, बाकी बेरी आ जाए यहाँ, भगवान क्या, भगवान आ जाएंगे तो क्या करेंगे, बोले पैर पकड़ लेंगे, बोले पैर पकड़ के भगवान कहेंगे अरे छोड़ो क्या परेशान करते हो भाई, हमारा प्यार क्यों पकड़ रखा। तो भगवान का, भगवान को आके अगर खड़ा हो जाए तो क्या करोगे, भगवान तो हृदय में है, उसको तपस्या के द्वारा जो अनुभव करेगा वही भाग्यशाली है। लेकिन मंदिर में जाके देखा, भगवान कृपा कर दो, मेरी लड़की का शादी कर दो, मेरा बीमारी ठीक कर दो, मेरे लड़के की बुद्धि को ठीक कर दो, लड़का मेरे बात को नहीं मानता। आजकल ज़्यादातर लड़के बच्चे माँ बाप के बातों को नहीं मानता ज़्यादातर, क्योंकि एक आध बच्चे जो होता है ज़्यादातर कालसर्प दोष होते हैं इनमें। कालसर्प दोष के बच्चों में बहुत जिद्दी क्रोधी एक रोखा टाइप का उनकी बुद्धियाँ, इससे माँ बाप से इनकी नहीं बनती, ये मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जिद्दी प्रकृति के होते हैं, मन में शांति नहीं होती, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ जो आए हो, मैं सारा विश्व मुझे जानता है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, तंत्र विद्या के रूप में सारा विश्व मुझे जानता है, तो इसलिए ये जान लो कि महाराज जी के पास जो सुन रहे हो ये दिव्य विद्या है। ये विद्या जैसे जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ना हो वो साधु नहीं बन सकता, क्यों, साधु बनेगा तो कभी उसके अंदर संदेह आएगा, क्यों मुझे देव दुख हुआ, क्यों ये मेरा प्रॉब्लम आया। तो जो एस्ट्रोलॉजी जानता है वो जानता है दुख का कारण क्या है, क्यों आ रहा है, कौन सा ग्रह है इस समय, जो ग्रह मुझे इस समय इस प्रकार का तकलीफ दे सकता है और दे रहा है, तो वो उस बात को फिर मंत्र के द्वारा ध्यान के द्वारा अपने जीवन को सहज बना लेते हैं। मेरी बात समझ गए ना। इसलिए ये जीवन है सत्य को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए। हाँ, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छे, उस विज्ञान को पाने के लिए गुरु के पास जाना जरूरी है। अभिपूर्वक गम धातु का प्रयोग किया, लिट प्रत्यय किया कि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, नान्न पंथा, कोई पंथा कोई रास्ता और नहीं, एक ही रास्ता है कि तुम्हें जीवन में सद्गुरु मिल जाए। नान्न पंथा, कोई पंथा मत ढूंढो, कहते तद विज्ञानार्थम, विज्ञान परम विद्या परम शांति परम आनंद पाने के लिए संसार में एक ही रास्ता है, स गुरु में वाविगच्छे, गुरु के पास पहुंचो। समित पाणी श्रोत्रियम, गुरु कौन है, जो शास्त्र विद्या में सुनिपुण हो, जिसका ज्ञान पूर्ण हो,
जो सभी प्रकार संदेहों से हमको मुक्त कर सकता है, सभी विवादों से हमको मुक्त कर सकता है, वही गुरु है। इसलिए ऐसे आत्मविद गुरु का चरण में शरण लेना, उनके उपदेश का पालन करना, उनके उपदेश के अनुसार जीवन में चलना, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो ये नहीं करेगा उसका जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी और कोई जीव बनता, जन्म लेगा, मरेगा और कहीं घूमता फिरेगा, भूत प्रेत बनेगा। भूत प्रेत भी बनता है ना, पिंडदान किसका होता है? प्रेतस्य पिंडम ददे। आपके बाप तो मर गए होंगे ना, तो बाप का जब पिंड दिया तो क्या दिया? मदीय पितृदेव प्रेतस्य पिंडम ददे। पितृदेव का प्रेत को पिंडदान कर रहा हूं, वो तो मर गए क्योंकि वो प्रेत जन्म में चला गया, तो उसके प्रेत को पिंड दिया जाता है। तो इसलिए कभी प्रेत जन्म में चले जाओगे, अगर तपस्या नहीं किया, ध्यान नहीं किया, तो फिर संसार में भूत प्रेत बनकर घूमते रहोगे, दुखों को झेलते रहोगे, पशु पक्षी कीट पतंग बनोगे। इसलिए जीवन में ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपने जीवन को साधना में लगाएं, प्रभु के भजन में लगाएं और ईश्वर प्रणिधान करें। नित्य नित्यम प्रतिदिन, ये एक दिन का काम नहीं, और प्रतिनियत निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। जो मनुष्य निरंतर मंत्र जप का अभ्यास करेगा, प्राणायाम करेगा, मेडिटेशन करेगा, प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा, फैट नहीं बढ़ेगा। ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? पेट नरम होना चाहिए। पेट का अगर फैट पेट में जमा हुआ है तो आप ध्यान नहीं कर सकते, पहले नंबर। और पेट नरम और प्यार गरम और सिर ठंडा, समझ गए ना? पेट नरम होना चाहिए, ये चमड़ा एकदम नरम होना चाहिए, और प्यार गरम होना चाहिए, और सिर जो है ठंडा होना चाहिए। जिसका होगा वो मनुष्य शरीर के शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा, बीमार नहीं होगा, हार्ट के तकलीफ नहीं होंगे, बीमारी नहीं होंगे, कष्ट नहीं होंगे। तो ये जीवन का बहुत जरूरी अंग है, इसलिए हमें ये निरंतर अभ्यास करना है कि हम अपने मेडिटेशन का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, फिर प्राणायाम के साथ साथ प्रत्याहार भी करें, सारी वृत्तियों को कंसंट्रेट करें, फिर मेडिटेशन करें। इसलिए भगवान कहते हैं मयानुकूलेन, मेरे अनुकूल वायु में, मेरा जो अनुकूल वायु है, अनुकूल वायु क्या है? साधु संग, तीर्थ स्थान। जैसे आप लोगों को मालूम नहीं था कि वृंदावन में जा रहे हैं दर्शन करने, वहाँ कोई साधु भी मिल जाएगा, आपको ये मालूम था? जो हमको इस तरह का ज्ञान बताएगा, सब लोग लेने के इच्छुक भी नहीं है। आप सुनिए, आपके जितने लोग आए हैं वो लोग यहाँ होते तो कहते क्या हुआ, हम लोग तो आए घूमने, मजा करने, हंसी मजाक, कहानी गल्प करने, ये कहाँ के महाराज हम लोग को आगे बैठा के कह रहे हैं सुनो, ध्यान दे के सुनो, ये महाराज तो हमको परेशान कर दिया। ये वृंदावन के लोग भी ऐसे हैं, वृंदावन के पंडा लोग दिन रात पैसे के पीछे दौड़ता है, इनका भजन करने का कोई टाइम नहीं है, सब दिन रात यही सोचता है कि कहाँ से पैसा मिले, किसको कैसे हम फंसाए, किस तरह से हमको ये पैसा मिल जाए, ये जीवन का यही लक्ष्य है। तो इसी लक्ष्य से ये सारे वृंदावन उसके पीछे दौड़ता है, और वही खाता है, वही पीता, वही सब कुछ उसी सोच में रहता है। बाकी बिहारी का नाम तो लेना पड़ता है, इसलिए लेता है क्योंकि उसी के नाम के बिना पैसा लोग देगा नहीं, तो लेने के लिए बोलना पड़ता है, समझ गए ना, लेने के लिए बोलना जरूरी हो जाता है। इसलिए ये जीवन तपस्या के लिए है, इसको समझ लो कि ये जीवन तपस्या ही इस जीवन का, तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र मनुष्य जीवन तपस्या के लिए प्राप्त किए हो, ये भगवान ऋषभ देव का उपदेश है। अपने पुत्रों को कहते, उनका 100 पुत्र थे, उनको कहा कि तपो दिव्यम पुत्र का, हे पुत्र देखो तपस्या के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है, तो ये तपस्या किए बिना ये जन्म वृथा चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। हम साधना यदि नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, धारणा प्रत्याहार नहीं करेंगे, संयम नहीं करेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रखेंगे, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, आत्मा की चेतना ऊपर तक उड़ना है, ये चेतना को सहस्रार में ले जाना है। सहस्रार में जाके हम जब पहुंच जाएंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। जो सहस्रार में प्राण को ले जाकर रोकने का अभ्यास करेगा
वो मनुष्य निश्चित रूप में मुक्ति का भागीदार होगा। जीवे तो मुक्ति पदेशादाय भाग, वो मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा, उसका जीवन धन्य होगा। और आप लोगों को, हमारे भक्तों को बोल दें कि देखो वृंदावन आने का टिकट हो गया, दक्षिण भारत का सारे टिकट, बांग्लाय बोली दक्षिण भारतेर समस्त टिकट हो गया छे। दक्षिण भारत में हम लोग परिक्रमा के लिए जा रहे हैं तो वहाँ का सारा रिजर्वेशन हम लोग बस से नहीं करते, क्योंकि जो एजेड लोग हैं उनको बस में तकलीफ होती है, चलना फिरना बहुत प्रॉब्लम होता है, बाथरूम वगैरह ये समस्याएँ होती है, इसलिए हम लोग रिजर्वेशन सब बस से कराते हैं। जहाँ थोड़ा थोड़ा, जैसे वृंदावन में आके बस के बिना ट्रेन से तो घूम नहीं सकते, लेकिन वृंदावन में ट्रेन से ही आते हैं, और सारा दक्षिण भारत ट्रेन से ही सबका रिजर्वेशन है। दक्षिण भारत में मेरे साथ 100 आदमी जा रहा है, वो सबका रिजर्वेशन हो चुका है, कलकत्ता से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से रामेश्वरम, मादुराई, फिर वहाँ से तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी का दर्शन करने के बाद फिर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से पुरी, पुरी से फिर कलकत्ता, ये सब रिजर्वेशन हो चुका। और वृंदावन आने का टिकट काल हो चुका, जो हम यहाँ 26 तारीख को वृंदावन में पहुँचेंगे, 25 तारीख का रिजर्वेशन काल हो गया, मतलब 4 महीना पहले आज हो गया, 25 तारीख नवंबर का आज सुबह उसका सबका रिजर्वेशन हो गया, जो 80 आदमी करीब आएगा उन सब का रिजर्वेशन हो गया, वृंदावन में आएगा, दक्षिण भारत करने के 3 दिन बाद हम वृंदावन आ जाएंगे, तो उसके परिक्रमा हम कराएंगे। तो इसलिए, और वृंदावन के से लौटने के लिए फिर 8 दिन के बाद रिजर्वेशन होगा, अगले शायद अगले शनिवार को रिजर्वेशन होगा, सभी लोग शनिवार के लिए निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो होगा 2 दिसंबर का। तो इस तरह से हमारा परिक्रमा का प्रोग्राम रहता है। ठीक है, आप लोग आज बैठे हैं इसलिए हिंदी में बोला, लेकिन आपनारा जेने रखून, जरा दक्षिण भारते जेते चान ताराओ जोगाजोग करबें, जरा वृंदावने आसते चान ताराओ जोगाजोग करबें, जो वृंदावन में आना चाहता है वो भी जुड़ जाएं, वो भी फोन करें, कॉन्टैक्ट करें, वृंदावने जरा आसते चान ताराओ जोगाजोग करूँ, जरा दक्षिण भारते जेते चान ताराओ जोगाजोग करूँ, सवार जीवन भलो हूँ। আজকের কিছু ভক্তরা এখানে আমাদের এখানে ভাড়া এসেছে, তারা রয়েছে, তারা সব হিন্দুস্থানি লোক, তো তাদের জন্য হিন্দিতে বললাম, সবাই ভালো থাকবেন, ইহাই সমাপ্ত করতে। ওম শান্তি ওম।